गोपियों का प्रेम निष्कलंक है, अकारण है। करोड़ों बाधाओं के बाद भी उनका प्रेम कम होने वाला नहीं है। मथुरा और वृंदावन की दूरी 12 किलोमीटर की है, लेकिन एक बार भगवान जब वृंदावन गोकुल छोड़कर मथुरा गए तो दोबारा फिर गए नहीं, चले जाते थे ना 10 किलोमीटर मिलने के लिए। लेकिन उसके बाद भी किसी गोपी के जीवन में कृष्ण के प्रति प्रेम में कमी तो छोड़ो, दिन प्रतिदिन कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता ही गया गोपियों का। श्रीमद् भागवत ऐसे कॉजलेस लव का प्रतिपादन करती है, लस्ट का नहीं, LUST LOVE। देर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लस्ट एंड लव। ये कोई पाश्चात्य संस्कृति का कोई कथा और कहानी नहीं है जहां लस्ट और आकर्षण प्रमुख है, यहां लव है, प्रेम अकारण। इसलिए महापुरुष को तुमने कभी रिश्तेदारी निभाते हुए नहीं देखा होगा, पहले रिश्तेदारी तोड़ के ही निकलते हैं। अब कभी कभी मुझे यह सोचना पड़ता है कि जो विरक्त महात्मा महापुरुष अपने जन्म दिए हुए संबंध परिवार परिजन आदि को भी प्रणाम करके निकल जाता है, उनसे लोग रिश्तेदारी निभाना शुरू करते हैं, बराबरी चाहते हैं। आपने मुझे नहीं देखा, हम भी नहीं देखेंगे। मत देखो, मैं आया, आपने मुझे पूछा नहीं, हम भी अब नहीं आएंगे। बिल्कुल मत आओ, पिंड छूटेगा। क्योंकि अहे तु क्या अप्रतिहता यह आत्मा संप्रसीदति, अकारण प्रेम है। अनंत बाधाओं के बाद भी प्रेम बढ़ता ही जाता है। तुम्हारे अनुकूल हम हो तो तुम प्रेम करो, और तुम्हारे अज्ञान के प्रतिकूल हम खड़े हो जाएं तो तुम विरोध करो, तो तुम प्रेम करते कब थे? तुम अपनी अनुकूलता से ही प्रेम करते हो। आनुकूल्येन वा प्रातिकूल्येन, दोनों ही अवस्था में जो संबंध चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, मिट नहीं सकता, बस गाने के लिए। गाने से थोड़ी होगा, करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। आश्लिष्यं वा पादरतां पिनस्तुमां, हे श्री कृष्ण, चाहे तुम मुझे गले लगाओ, चाहे मेरी भर्त्सना करके पद प्रहार करके मुझे हटा दो भरी भीड़ से, मम प्राणनाथस्तु स एव नापर। पर हे कृष्ण, मेरे प्राणनाथ तुम्ही हो, तुम्ही हो, तुम्ही हो। इसको प्रपन्नता और प्रेम कहते हैं। चाहो तो गले लगाओ, चाहो तो हटा दो, पर हमारा प्रेम तुमसे कम होने वाला नहीं है। ये भक्त का प्रेम होता है, ये गोपी का प्रेम होता है। रिश्तेदारी निभाने की जरूरत नहीं है साहब, बंद करिए। तुम्हारा भी टाइम खोटा होगा और महात्मा का भी टाइम खोटा होगा, दोनों के टाइम बर्बाद होंगे। तुम जो चाहते हो कभी मिल नहीं सकता।